बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कबीला डोगर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाने वाला एक मशहूर कबीला है। मगर उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डोगर जट कबीला एक बहुत बड़ा कबीला है, जबकि डोगर कबीले में मिनहास डोगर और कश्मीर वाले डोगर भी हैं, मगर ये दो अलग कबीले हैं, जबकि असल डोगर कबीला जटों का है। पाकिस्तान में ज़्यादातर मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। डोगर नस्ल का जिक्र हीर वारिस शाह में भी आया है, जबकि डोगर नस्ल के बारे में ये ख्याल भी किया जाता है कि डोगर नस्ल तुर्की से है। तुर्की से एक शख्स था जिसकी आगे ये औलाद है, मगर इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पनवार राजपूत की तीन शाहें थीं जिन्होंने बाबा फरीद रहमतुल्ला अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इनमें खरल, सियाल और डोगर थे। इसके अलावा दो और कबीले भट्टी और वट्टू भी शामिल हैं। इन्होंने भी बाबा फरीद के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और बाद में बाबा फरीद रहमतुल्ला अलैह के हुक्म पर सियाल दरियाए चिनाब के किनारे आबाद हो गए और खरल रावी के किनारे डोगर और वट्टू सतलुज के किनारे पर आबाद हो गए, और यहाँ इन्होंने अपना आबाई पेशा यानी सियाहगिरी और जंगजुई छोड़कर खेतीबाड़ी शुरू कर दी। डोगर जो कि एक जट कबीला है, ये पंजाब, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश, भारत में भी पाए जाते हैं। ज़ात डोगर, डोगरा और डागर सब एक ही हैं। वक्त के साथ साथ लहजे में फ़र्क आता गया और ये लफ्ज़ डोगर बन गया। डोगर कौम चौहान जट राजपूत की नस्ल से है। चौहान जट से आगे बहुत से कबाइल बने, जैसे गोंदल जट, डोगर जट, चीमा जट, चठा जट और भी बहुत से कबाइल हैं। डोगर लफ्ज़ एक डांग से बना है, जो कि एक जगह का नाम है, और वक्त के साथ डांग से डांगर और फिर डंगर और फिर डोगर या डोगरा में तब्दील हो गया। डोगर ज़ात इंडिया में भी कसरत से पाई जाती है। डोगर ज़ात इंडिया में ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और कश्मीर में कसरत से पाई जाती हैं, और इन इलाकों में डोगर ज़ात की ज़्यादातर मज़हब हिंदू हैं, जबकि पाकिस्तान में इस ज़ात का मज़हब मुसलमान है। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और दुनिया व आखिरत की हर खुशी नसीब फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।